जैसा कि फ्रेंड मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था पिछले वीडियो में कि ये रेसिपी मैं बहुत ही जल्द अपडेट करूँगी, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैंने अपनी हस्बैंड के बर्थडे के डिनर में ये बनाया था, जो कि है अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी। बहुत ही माइंड ब्लोइंग रेसिपी है। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ना, वो घंटों में नहीं मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 10 मिनट्स रेसिपी है और इस रेसिपी को आप लंच बॉक्स में और रात के डिनर में शामिल कर सकते हो। इस रेसिपी की खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसे आप पूरी, नान या फिर लच्छा पराठा या फिर पाव के साथ आराम से इसे आप खा सकते हो। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए 2 प्याज को हमने बारीक कट कर लिया था, 1/2 शिमला मिर्च के बीज को हमने निकाल के उसे भी बारीक कट कर लिया था, 1 टमाटर को हमने बारीक कट कर लिया था और उसके बीज वाले पार्ट को हमने अलग कर लिया था। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 100 ग्राम होममेड पनीर लिया है। पनीर की रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर जाके वॉच कीजिएगा। यहाँ पे हमने मोटे वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करना है और ये देखिए इसी तरह से इसे ग्रेट करना है, इसे हाथों से नहीं क्रश करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को रख दिया है। यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून जीरा यहाँ पे डाल दिया है और 3 टेबल स्पून यहाँ पे हमने सफोला गोल्ड और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे घी डाला है और यहाँ पे 1 ग्रीन चिल्ली को बारीक कट करके डाला है और 1 टेबल स्पून हमने खड़ा धनिया यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद प्याज को हमने इसमें डाल के इसे लाइट पिंक होने तक भूनना है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये लाइट पिंक हो गया था, तो मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया है और इसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चला देना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स शिमला मिर्च ऐड करना है, क्योंकि इसलिए मैं शिमला मिर्च लास्ट में ऐड कर रही हूँ कि इसकी क्रंचनेस थोड़ी मेंटेन रहे और ये क्रंची रहेगा तो आपका पनीर भुर्जी बहुत टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक को ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल दिया है और यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हमने इसके छिलके को उतार के इसे बारीक कट करके इसे भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स अदरक और लहसुन को आप कूट कर भी डाल सकते हो, बट कट करके आप डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स घर की जो नॉर्मल सी स्पून होती है उससे, या फिर आपके पास मेजरमेंट स्पून है उससे आप 1 टेबल स्पून यहाँ पे बेसन ऐड कर दीजिएगा। बेसन डालने से आपकी पनीर भुर्जी जो है वो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी की होगी और ये नहीं कि इसकी ग्रेवी और इसकी पनीर जो अलग है एक जैसी, वो गाढ़ी कंसिस्टेंसी की रहेगी। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जीरा का पेस्ट हमने पीस कर इसमें ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। आप चाहो तो नॉर्मल जो आप घर में यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, जो रेड चिली पाउडर वो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून हमने कोरिएंडर पाउडर और नमक हमने स्वाद अनुसार इसमें ऐड किया है और सारे ड्राई मसाले को हमने भून लिया है। और यहाँ पे 1/4 कप हमने गुनगुना पानी इसमें ऐड किया है, इससे आपके मसाले जलेंगे नहीं और इसका जो फ्लेवर है वो मेंटेन रहेगा। लास्ट में हमने जो टमाटर के जो बीज वाले पार्ट को रखे थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी को अपने हाथों पे क्रश करके इसमें डाल दिया है। उसके बाद उसे भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहो तो अमूल की क्रीम या फिर घर की मलाई आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने घर की मलाई ली है 1/4 कप, उसे अच्छे से हमने फेंट लिया है और उसके बाद इसमें डाल दिया है। और फिर से हमने 2 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड किया है। क्रीम डालने से क्या होगा फ्रेंड्स कि ये देखने में बहुत ही रिच लगेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैगी जो होती है किन्हें पसंद नहीं होती है, बड़ों को और बच्चे को सभी को पसंद होती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, 1/2 पैकेट यानी कि कह सकते हो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मैगी का मैजिक मसाला ऐड किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो ग्रेटेड पनीर था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और थोड़े से ग्रेटेड पनीर को हमने रख लिया है डेकोरेशन के लिए। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप मैगी मसाला स्किप करना चाहते हो तो किचन किंग मसाला या फिर सब्जी मसाला या फिर गरम मसाला ऐड कर सकते हो, बट बच्चों के लिए अगर ये बना रहे हो तो मैजिक मसाला का यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो आप। बहुत ही ये अलग और बहुत ही टेम्पटिंग फ्लेवर देगा। और लास्ट में हमने 1/2 कप यहाँ पे पानी को ऐड किया है,
पानी फ्रेंड्स आप गुनगुना ही ऐड कीजिएगा, इससे आपका जो टेस्ट है वो मेंटेन रहता है और ठंडे पानी डालने से थोड़ा सा टेस्ट में चेंज आ जाता है। लास्ट में फिर से मैंने हाफ कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमने 7 मिनट के लिए लीड को लगा दिया है, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और 7 मिनट के बाद आप देखिए फ्रेंड्स, वाओ ये अमृतसरी पनीर भुर्जी देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी ही माइंड ब्लोइंग लगेगी। और देखने के बाद तो आपको लग ही गया होगा कि ओनली 10 मिनट्स रेसिपी है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो बची हुए जो हमारे ग्रेटेड पनीर थे उससे हमने ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दी है, कुछ कटे हुए धनिया पत्ता से इसकी गार्निशिंग कर दी है। और ये देखिए हमारा 10 मिनट्स रेसिपी लंच बॉक्स आइडिया और बहुत ही प्यारी सी झटपट से बनने वाली पार्टी स्पेशल रेसिपी कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई है। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स कहा जाता है ना, किसी भी रेसिपी को अगर आँखों को जच जाती है तो खाने में वैसे ही उसका कह सकते हो चार चांद लग जाता है। तो बस यही एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। और इसकी प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे पनीर भुर्जी डाल दिया, ऊपर से ग्रेटेड पनीर को मैंने ऊपर से डाल दिया है, कुछ प्याज के लच्छे डाल दिए हैं और ग्रीन और रेड वाली जो चिली थी उसे हमने कट करके ऊपर से रख दिया है, कुछ धनिया पत्ता से इसकी गार्निशिंग कर दी है। और अब देखिए फ्रेंड्स देखने में कितनी अच्छी लग रही है, तो आ गया ना मुँह में पानी। तो इसे एक बार बनाइए और अपने सुझाव को मेरे साथ शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है और अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़, बहुत प्यारी सी रेसिपी है, कम समय में बन के तैयार होगी और हम मम्मियों के लिए तो बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है, तो इसे फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ हमारा पेज जयंती किचन क्वीन से ही है, वहाँ बहुत सारे सी रील्स और शॉर्ट्स मैं डालती हूँ, तो जाइए वॉच कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। सावन शुरू हो चुकी है तो सावन स्पेशल रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द अपडेट करूंगी। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।